हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम मोहम्मद अजफ। आज हम लोग आए स्वीट क्रीम की आइसक्रीम खाने। सुना है कि यहाँ की आइसक्रीम बड़ी लजीज होती है और यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के फ्लेवर्स भी होते हैं। नाउ ओवर टू अब्बा जान। हाँ जी, तो भाई आज अजफ अनफ मैं आए हैं स्वीट क्रीम की आइसक्रीम खाने। फाइनली ये ओपन हो गई हैदराबाद में अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि डिफरेंट शहरों में भी पाकिस्तान के है, तो यहाँ पे डिफरेंट फ्लेवर्स जैसा कि अजफ ने आपको बताया। चलें विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अंदर चलते हैं और यहाँ ऑर्डर देते हैं और फिर उसके बाद हम खाकर बताएंगे टेस्ट कैसा है। चलें अंदर चलते हैं और इनके मैनेजर से मिलते हैं। ये इनका सेटअप है, अंदर से आप देख रहे हैं। वेल सर, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? थोड़ा सा ऊंचा बोलना होगा आपको। क्या नाम है आपका? हाफिज भाई, आप मैनेजर हो यहाँ पे, और कैसा चल रहा है? कब ओपन हुआ यहाँ पे हैदराबाद में? 9 सितंबर को। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला आपको। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताएं कि ये ब्रांड कहाँ का है? जैसे पंजाब का, लाहौर का। हाँ जी, लाहौर का है और काफ़ी सारे शहरों में खुल चुका है अभी। पूरे पाकिस्तान में खुल गया, बड़े शहरों में, मतलब बड़े शहरों। और दूसरी चीज़ ये कि बहुत ही सफाई से बना रहे हैं ये लोग, और हम आपको दिखाते भी हैं कि कितना ज़बरदस्त तरीके से ये लोग बना रहे हैं और ग्लव्स वगैरह पहने होते हैं। बहुत ही नीट एंड क्लीन इनका जो सेटअप है। ऐसे कि पहला व्लॉग होगा स्वीट क्रीम का हैदराबाद में, इससे पहले नहीं बना, तो मेरा पहला व्लॉग है, ज़रूर देखिएगा स्वीट क्रीम का। और इट्स एपिसोड 8 ऑफ माई हैदराबाद फूड डायरीज। प्राइसेस वगैरह मैं आपको एंड में बताऊंगा। ऑर्डर जो है वो अहनफ देंगे, अजफ ने इंट्रोड किया था, तो अहनफ जो है वो ऑर्डर देंगे। अहनफ ऑर्डर दो, क्या लेना है? कौन सी वाली? दिस वन, दिस वन, दैट वन, स्प्रिंकल वन। चलिए जी, ये स्प्रिंकल वाली दे रहे हैं। और अजफ आपने कौन सी लेनी? ओके दिस वन। तो ये हम ज़रा देख लेते हैं कि है क्या क्या ये इसमें। आप थोड़ा सा हटे अजफ पीछे। ये अहनफ ने किया है स्प्रिंकल्स वाली और ब्राउनी अजफ ने ऑर्डर दिया है, ठीक है। मैं मेरे लिए क्यों आप रेकमेंड करोगे? आप हमारा सबसे रनिंग जो आइटम है वो ट्राई करें, एक ब्राउनी वनीला बेस और एक मोल्टन लावा वनीला बेस। बेस्ट कौन सा है? इन दोनों में से कंपेयर करें तो मोल्टन लावा हमारा सबसे बेस्ट यार है। मोल्टन लावा? जी सर, एक मोल्टन लावा करते हैं। तो आइसक्रीम आ गई है। हाँ, दैट इज़ फॉर अजफ एंड दैट इज़ फॉर अहनफ। चलो भी खा कर बताओ कैसी है। अरे ऊपर खाओ, गिर ना जाए। कैसा फ्लेवर है? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है, आप बताएं। सो टेस्टी, दैट्स कूल। भाई मेरा भी आना बाकी है, तो जैसे ही मेरा आता है फिर हम आपको बताते हैं मेरा फ्लेवर कैसा है। तो मेरी भी आइसक्रीम आ गई जैसा कि मैंने आपको दिखाया, और बहुत ही टेस्ट लगा कैसी है। इसको भी लावा केक को भी खाया साथ में। और जो लावा केक में से चॉकलेट निकल रही है वो आप देख भी रहे होंगे, ये ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़बरदस्त मज़े की है। साथ में वनीला का इसका जो फ्लेवर है आइसक्रीम का वो भी ट्राई करते हैं। बहुत मज़े की प्राइसेस खा लें, इसके बाद आपको बताएंगे। सो अलहमदिल्ला वी हैव डन विद आइसक्रीम। अलहमदिल्ला बहुत ही मज़े की थी, बहुत मज़े का फ्लेवर था, बहुत मज़ा आया। अहनफ इतनी भी, बारिश भी हो रही है और आज हम बारिश के टाइम पे आ गए, अहनफ थोड़ी सी ओवर एक्टिंग भी कर रहे हैं और इनका मेन्यू भी गिर गया, हवा बहुत तेज़ है। खैर, लेट्स टॉक अबाउट द टेस्ट ऑफ दिस आइसक्रीम। बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट था, बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर है। मिल्की वनीला का तो बहुत ही अच्छा टेस्ट इसमें आ रहा था, लावा चॉकलेट का बहुत अच्छा टेस्ट था, और मैंने थोड़ी सी अजफ की भी ब्राउनी और अहनफ की स्प्रिंकल भी ट्राई किया। बस आइसक्रीम सेम है लेकिन उसके ऊपर स्प्रिंकल्स और ब्राउनी का जो है वो डाला हुआ था। अंदर से आपको दिखाया कितनी सफाई से लोग बना रहे हैं। 420 रुपये का मोल्टन लावा विद वनीला फ्लेवर जो मैंने खाया वो था, 180 रुपये की स्प्रिंकल है और 190 की जो है वो ब्राउनी कोन है। तो इकोनॉमिकल है, कोई इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, अपनी फैमिली को लेकर आएँ। और ये मेरी वीडियो किस शहर से देख रहे हैं आप लोग ये ज़रूर बताइएगा, क्योंकि काफ़ी सारे शहरों में खुला हुआ है। अगर आप लोग यहाँ पर आए हो तो ज़रूर बताना कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, टेस्ट कैसा है। मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा, होपफुली यू विल डेफिनेटली लव एंड कम अगेन। और दोबारा आएंगे आप लोग मेरी तरह यहाँ पर, और मैं भी डेफिनेटली आने वाला हूँ और रिकमेंड भी करूँगा अपनी फैमिली के बंदों को। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन पे प्रेस कीजिएगा। ख्याल रखें अपना, अल्लाह हाफिज़।